क्वेश्चन नंबर 7 देखिए इन्होंने क्या दिया। दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी एंड फ्रॉम देयर टू प्लेस सी। ए इज 7.5 किलोमीटर फ्रॉम बी एंड बी इज 12.7 किलोमीटर फ्रॉम सी। चलिए इसका हिंदी समझते हैं ताकि क्वेश्चन समझ में आ जाए। देखिए दिनेश जो है ए स्थान से बी तक गए, ठीक है। दिनेश जो है ए स्थान से बी स्थान तक गए हैं, फिर बी से सी तक गए, ठीक है। अब देखिए ए से बी तक की जो डिस्टेंस है 7.5 किलोमीटर है और बी से सी तक का जो डिस्टेंस है 12.7 किलोमीटर है, ठीक है। आया समझ में क्वेश्चन? यानी दिनेश जो है ए से बी तक गए और बी से सी तक गए। ए से बी तक का डिस्टेंस जो है देखिए 7.5 किलोमीटर और बी से सी तक का डिस्टेंस है 12.7 किलोमीटर, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आयुब वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस डी एंड फ्रॉम देयर टू प्लेस सी। डी इज 9.3 किलोमीटर फ्रॉम ए एंड सी इज 11.8 किलोमीटर फ्रॉम डी। तो देखिए आयुब जो है ए से डी तक गए और डी से सी तक गए, ठीक है। आया समझ में? आयुब जो है ए से डी तक गए और डी से सी तक। अब देखिए ए से डी तक का जो डिस्टेंस है 9.3 किलोमीटर है और डी से सी तक का जो डिस्टेंस है 11.8 किलोमीटर है, ठीक है। आया समझ में? अब देखिए क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछ दिया। हु ट्रेवल्ड मोर एंड बाई हाउ मच। यानी कहने का मतलब ये है किसने ज्यादा दूरी तय की और वह दूरी कितनी अधिक थी। फाइंड करके दिखा दीजिए, क्वेश्चन इन्होंने यही पूछा। चलिए सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, आसान क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम सॉल्व करवाएंगे। तो सबसे पहले फिगर के माध्यम से आपको समझा देते हैं। देखिए ए से बी तक की जो डिस्टेंस थी बुक में दिया गया था 7.5 किलोमीटर, ठीक है। और बी से सी तक का जो डिस्टेंस था ये था 12.7 किलोमीटर। ए से बी तक का 7.5 किलोमीटर और बी से सी तक का 12.7 किलोमीटर। अब देखिए ए से बी तक का जो डिस्टेंस था 9.3 किलोमीटर था, ठीक है। और देखिए डी से सी तक का जो डिस्टेंस था 11.8 किलोमीटर था। बस अब फिगर जब बन गया तो हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। देखिए तो सबसे पहले यहां लिखिए डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल वाई दिनेश। देखिए एग्जाम में नाम चेंज हो सकते हैं, क्वेश्चन यही मिलेगा पक्का है, ध्यान दीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन दे भी सकते हैं, नाम चेंज कर देंगे और ये डिजिट यानी नंबर चेंज कर सकते हैं, लेकिन लगाने का तरीका यही रहेगा सॉल्व करने का। दिनेश वेन ही वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी इज इक्वल्स टू, देखिए ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है 7.5 किलोमीटर, ठीक है। यहां लिखेंगे एंड फ्रॉम प्लेस बी टू सी इज इक्वल्स टू, अब देखिए बी से सी तक की कितने डिस्टेंस है 12.7 किलोमीटर। बस तो ये हुआ दिनेश का। अब चलिए हिंदी मीडियम वाले लिखे यहां पे, ए से बी तक जाने में दिनेश द्वारा
तय दूरी बराबर 7 यानी 7.5 किलोमीटर, ठीक है। और बी से सी तक जाने में दिनेश द्वारा तय दूरी बराबर, तो देखिए बी से सी तक में कितना है, 12.7, यहां लिखिए 12.7 किलोमीटर, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, दोनों ऐड कर देंगे, दिनेश का पता लग जाएगा। कैसे ऐड करेंगे, ए बी प्लस बी सी। चलिए नीचे ऐड करके आपको दिखाते हैं, देखिए यहां लिखेंगे हम टोटल, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दिनेश इक्वल्स टू, तो देखिए दिनेश कैसे गए थे, ए से बी तक और बी से सी तक, तो लिखेंगे ए बी प्लस बी सी, ठीक है। ऐड करते हैं, देखिए तो ए से बी तक गए थे कितना, देखिए ए से बी तक 7.5 किलोमीटर, यहां लिखेंगे हम, ठीक है, 7.5 प्लस बी सी, बी सी कितना देखिए 12.7, यहां लिखिए 12.7, ठीक है। चलिए ऐड करते हैं, देखिए यहां पे तो देखिए यहां पे 5 है और यहां क्या है 7, तो 7 और 5 कितना हो गया 12, तो यहां लिखेंगे 12 का 2 कैरी हुआ 1, और देखिए यहां 2 मिला यहां 7, तो 7 और 2 कितना हो गया 9 और 1 कैरी 10, तो 10 का क्या करेंगे 0, और देखिए यहां 1 बचा, यहां कुछ नहीं है तो 1, ठीक है, और 1 कैरी कितना हो गया 2। अब देखिए पॉइंट कितने संख्या के बाद है, एक संख्या के बाद है, यानी पॉइंट के बाद एक संख्या है, तो यहां हम क्या करेंगे पॉइंट दे देंगे किलोमीटर। बस हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे यहां पे दिनेश द्वारा तय कुल दूरी, ठीक है। बाकी ये लिखने के बाद यहां से सोल्व कर लेंगे, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले ये लिखेंगे और हिंदी मीडियम वाले ये लिखने के बाद ये सोल्व करेंगे, ठीक है। अब चलिए आयोग का सोल्व करते हैं, यहां लिखेंगे आयोग का टोटल डिस्टेंस कवर्ड वाई आयु इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो आयु कैसे जाते हैं, फिगर के माध्यम से बताते हैं, देखिए ऐसे जाते हैं ए डी यानी ए से डी तक और डी से सी तक, तो हम ऐड करेंगे ए डी प्लस डी सी। चलिए यहां लिखते हैं, देखिए ए डी प्लस डी सी, बस सॉल्व कीजिए। तो देखिए यहां पे एडी में क्या मिला, एडी में 9.3 किलोमीटर, तो यहां लिखेंगे 9.3 किलोमीटर प्लस, प्लस है प्लस डी सी, डी सी में क्या मिला 11.8, यहां लिखेंगे 11.8, ठीक है। चलिए ऐड करते हैं, देखिए 8 है और यहां क्या है 3, 8 और 3 11, 11 का 1, ठीक है, कैरी हुआ 1, और यहां देखिए 1 है और यहां क्या है 9, 9 और 1 10 और 1 कैरी 11, तो यहां लिखेंगे 11 का 1 कैरी हुआ 1। अब देखिए बचा क्या, यहां पे ध्यान दीजिए यहां पे 1 बचा और इधर कोई संख्या नहीं है, तो 1 और 1 कैरी कितना हुआ 2, यहां 2 कर दीजिए। अब देखिए डेसिमल लगाना हमें, तो एक संख्या के बाद हमारा डेसिमल है यानी दशमलव, तो यहां हम दशमलव एक संख्या के बाद दे देंगे यानी किलोमीटर, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले यहां पे लिख लेंगे आयोग द्वारा तय
कुल दूरी। ये हिंदी मीडियम में लिखकर यहां से फिर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब तो पता लग गया किसने ज्यादा दूरी तय की। देखिए, दिनेश ने 20 पॉइंट यानी 20.2 किलोमीटर तय किया, आयुब ने 21.1 किलोमीटर तय किया। तो सबसे ज्यादा किसका हुआ? आयुब का हुआ। तो यहां पे देखेंगे यानी आयुब और दिनेश को क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे। तो यहां लिखेंगे हम ऑन कंपेयरिंग दी टोटल डिस्टेंस ऑफ आयुब एंड दिनेश, ठीक है। हिंदी मीडियम में लिखेंगे यहां पे दिनेश तथा आयुब द्वारा तय दूरियों की तुलना करने पर, ठीक है। तो देखिए, इंग्लिश मीडियम वाले ये लाइन लिखेंगे और हिंदी मीडियम वाले ये लाइन। इसके बाद इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम वाले यहां पे लिखेंगे। देखिए, यहां पे देखिए सबसे ज्यादा किसका है, आयुब का है। यहां लिखेंगे 21.1 किलोमीटर, ज्यादा है ना, तो ग्रेटर देन कर देंगे। उसके बाद दिनेश ने कितना है, देखिए 20.2 किलोमीटर, यहां पे लिख देंगे 20.2 किलोमीटर। पता लग गया यानी किसने ज्यादा डिस्टेंस है, किसका, आयुब का है, ठीक है। अब कितना है ये भी हमें फाइंड करना है। चलिए, क्वेश्चन में ये भी पूछा गया था कि कितना ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे देयरफॉर, ठीक है, यहां पे लिखिए देयरफॉर आयुब कवर्ड मोर डिस्टेंस वाई। तो क्या करेंगे, 21.1 से इसमें माइनस कर देंगे। तो देखिए यहां पे लिखेंगे 21.1 माइनस 20.2, ठीक है। तो जब माइनस करेंगे तो देखिए, माइनस करके भी दिखाते हैं आपको, 21 है तो लिखिए 0.1, ठीक है। माइनस करते हैं 20.2 को, तो देखिए ऊपर 1 है, नीचे क्या है, 2 है। तो ये कैरी मिला 11, 11 से 2 गया 9, ठीक है। पॉइंट मिला, पॉइंट दीजिए, ऊपर कितना बचा 20 और नीचे भी क्या बच गया 20, यानी 20 में से 20 माइनस करेंगे 0। तो फाइनली आंसर कितना आ गया, 0.9, यानी किस में आया, किलोमीटर में। अब किलोमीटर को अगर यहां पर भी छोड़ देंगे तो आंसर सही है, लेकिन अगर आंसर और भी आगे देना है तो देखिए किलोमीटर को चेंज कर देंगे मीटर में, ठीक है। 0.9 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 900 किलोमीटर यानी मीटर, यानी 0.9 किलोमीटर को हमने मीटर में चेंज कर दिया तो कितना हो गया, 900 मीटर, ठीक है। देखिए यहां पर भी छोड़ देंगे तो आंसर सही है, और यहां पर भी छोड़ देंगे तब भी आंसर सही है। हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे यहां पे अतः आयुब ने, या माइनस कर देंगे 21.1 माइनस यानी 21.1 माइनस 20.2 बराबर 0.9 किलोमीटर, यानी चेंज करेंगे यहां पे इसको, किलोमीटर को चेंज कन्वर्ट करेंगे किसमें, मीटर में, तो ये हो जाएगा 900 मीटर दूरी अधिक तय की, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले ये लिखेंगे, ये हमारा फाइनली आंसर है, ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए, दैट्स इट।